नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार एसटीईटी फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी तक। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर लगेगा कैमरा। माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे नहीं हो सकते बेदखल। आज से बिहार में यहां लग रहा कोरोना का टीका, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार एसटीईटी फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी तक। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार बोर्ड माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब तक आपने इसके लिए फॉर्म जमा नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा के लिए आप अपना फॉर्म 10 जनवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी आज यानी कि 8 जनवरी से 10 जनवरी तक अपनी फीस भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर 10 जनवरी के बाद फीस नहीं भरी जाती है तो अभ्यर्थी के फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए बोर्ड की ओर से नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो 12 जनवरी 2024 को समिति की वेबसाइट पर डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी उस एडमिट कार्ड को 17 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर लगेगा कैमरा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया जाएगा, जिसके बाद कैमरा द्वारा होने वाली रिकॉर्डिंग सीधे उसी में इकट्ठा होगी। वहीं इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। बता दें कि अगर कोई जवान फुटेज को डिलीट करना चाहता हो या उसे छिपाना चाहता हो तो ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं होगा। मालूम हो कि परिवहन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई महीने से राज्य के सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के वर्दी में इस कैमरे को लगा दिया जाएगा। बता दें कि इसके पहले चरण के तहत विभाग की से करीब 3000 कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैमरे के लगने से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि वाहन चालकों और जवानों के बीच होने वाले नोकझोंक में भी कमी आएगी। बिहार से हज यात्रा के लिए कोटा से काफी कम भरा गया फॉर्म। अगर आप भी हज यात्रा जाने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि हज यात्रा का फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। बता दें कि बिहार हज कमेटी के चेयरमैन हाजी अब्दुल हक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार से अब तक केवल 2500 लोगों के द्वारा ही फॉर्म भरा गया है, जबकि बिहार का कोटा 12000 है। वहीं भारत को 2024 में वार्षिक हज यात्रा के लिए करीब 1.75 लाख तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। इसमें हज समिति के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए लगभग 1.4 लाख सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि करीब 35,000 तीर्थयात्रियों को निजी ऑपरेटरों के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे नहीं हो सकते बेदखल। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन व न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ के द्वारा माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को बेदखल किए जाने के मामले पर रविशंकर द्वारा दायर अपील को निष्पादित करते हुए अपना फैसला सुनाया गया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के अनुसार बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबरन किए गए कब्जे के तहत उस संपत्ति का मासिक किराया एवं मासिक भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए कानून के तहत बेदखली के लिए पहले से पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए मामले को जिला मजिस्ट्रेट पटना के समक्ष भेज दिया गया है। उत्तर बिहार से गुजरने वाली 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव। यूपी के बाराबंकी इंटरलॉकिंग के कारण उत्तर बिहार से गुजरने वाली 9 ट्रेनों के मार्ग में फेरबदल कर दिया गया है। बता दें कि जिन 9 ट्रेनों के मार्ग में फेरबदल किया गया है उनमें गाड़ी संख्या 1224 अमृतसर सहरसा गरीब रथ, गाड़ी संख्या 1203 सहरसा अमृतसर गरीब रथ, गाड़ी संख्या 12557 मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति, गाड़ी संख्या 12558 सप्त क्रांति, गाड़ी संख्या 12565 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति, गाड़ी संख्या 12566 नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति, गाड़ी संख्या 19038 बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 19037 बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 09466 दरभंगा साबरमती विशेष गाड़ी के नाम शामिल हैं। बिहार के खिलाड़ियों से इम्प्रेस हुए अजिंक्य रहाणे। बिहार की राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच के लिए मुंबई की टीम पटना पहुंची है, जिसमें मुंबई रणजी टीम के कप्तान और भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी शामिल है। बता दें कि अजिंक्य रहाणे के द्वारा मीडिया से बात करते हुए बिहार के टीम की तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, जो अच्छा खेलेगा वह जीतेगा, बिहार की टीम अच्छा खेल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की टीम का प्रदर्शन देखकर लगता है कि इसमें आगे जाने की पूरी क्षमता है। इसके साथ ही उन्होंने पटना को लेकर कहा कि उन्हें पटना आकर बहुत अच्छा लगा, यह शहर काफी खूबसूरत है और यहाँ के व्यंजन भी लाजवाब है। यहाँ ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन जैसा है। हमने सुना है कि यहाँ का म्यूजियम काफी खूबसूरत है, समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। यूपी से नदी के रास्ते शराब तस्करी पर ड्रोन से निगरानी।
यूपी बिहार सीमा पर अवस्थित सरयू नदी में नाव से शराब की तस्करी में मोटर बोट व ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि सरकार की ओर से निगरानी रखने के लिए 2 मोटर बोट और ड्रोन उपलब्ध करवाया गया है। इसके माध्यम से गठित स्पेशल टीम प्रतिदिन नदी में पेट्रोलिंग करने का काम कर रही है, ताकि यूपी से नाव के माध्यम से बिहार में आने वाली शराब को नदी में ही पकड़ा जा सके। मालूम हो कि उत्पाद विभाग की पेट्रोलिंग टीम के द्वारा पिछले 6 महीने में मोटर बोट के सहारे लगभग 50 लाख रुपए का विदेशी शराब बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही 6 नावे व नाविक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में सारण के उत्पाद अधीक्षक रजनीश के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नदी में शराब की तस्करी रोकने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है और प्रतिदिन जाँच की जा रही है। बिहार के सरकारी स्कूल में 2 भाषाओं में चलती है स्मार्ट क्लास। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गौनाहा प्रखंड में स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिट्टी बिहार के अन्य सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल है। दरअसल यह स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। मालूम हो कि सरकारी स्कूल में 2 भाषाओं में स्मार्ट क्लास चलाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल में 2 अलग अलग क्लासरूम बनाए गए हैं, जिसमें से 2 अलग अलग भाषाओं में स्मार्ट क्लास का संचालन किया जाता है। बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए शब्दों को सरल भाषा में समझाने का काम किया जाता है, जिसे लेकर बच्चों में भी उत्सुकता बनी रहती है। इस स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज से बिहार में यहां लग रहा कोरोना का टीका, ऐसे कराए रजिस्ट्रेशन। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 की रोकथाम के लिए आज यानी कि सोमवार से बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल स्थित जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए कार्वोवैक्स वैक्सीन की 5,000 डोज उपलब्ध कराए जाने के बाद टीकाकरण लगाने का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में जो भी लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं, उन्हें पहले कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करा स्लॉट बुक कराना होगा। बता दें कि स्लॉट बुक करने के लिए kovin.gov.in वेबसाइट पर मोबाइल नंबर व अन्य विवरण भरना होगा, जिसके बाद स्लॉट बुक हो जाएंगे। राम मंदिर को लेकर नित्यानंद राय ने लालू तेजस्वी पर लगाया आरोप। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा राजद के एक विधायक के दिए गए बयान कि अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के दौरान बड़ा हमला हो सकता है पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लालू तेजस्वी को बड़ी साजिश कर रहे हैं, तभी उनके नेता किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि सनातन को मानने वाले को इस मंदिर के उद्घाटन को लेकर काफी खुश है। जिन लोगों को भी निमंत्रण मिला है वो खुशी खुशी यहाँ आने की इच्छा रख रहे हैं। मंदिर तो भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है, ये संस्कार और मर्यादा का रास्ता है, लेकिन पता नहीं इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में राम मंदिर के निर्माण से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि हकीकत तो ये है कि राजद के नेता जो बोल रहे हैं या मुखौटा है, पीछे तो लालू जी तेजस्वी जी का चेहरा है। महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले लोग हैं कि यह तुष्टिकरण की नीति देश के लिए हमेशा हानिकारक है। कांग्रेस ने बिहार के सभी 40 सीटों के लिए संयोजक के नाम का किया ऐलान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अपने अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा भी अब बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक के नाम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि संयोजकों में राज्य के विधान पार्षद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी शामिल है। बता दें कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए इन सभी संयोजकों में बांका लोकसभा सीट के लिए समीर कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा भागलपुर लोकसभा सीट के लिए राजकिशोर सिंह को संयोजक बनाया गया है। वहीं पटना साहिब लोकसभा सीट की जिम्मेदारी नागेंद्र प्रसाद वीकल को दी गई है। स्मृति ईरानी इस दिन आ रही हैं पटना। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से अपनी तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से की जा रही है। बता दें कि आगामी 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार की राजधानी पटना पहुंचने वाली हैं। दरअसल वह पटना में भाजपा की मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी, जहां वह स्थानीय नेताओं को मीडिया से कैसे रूबरू होना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे प्रभावशाली तरीके से पेश करना है, कैसे भाजपा से आम लोगों को जोड़ना है, इस तरह के तमाम मुद्दों पर अपनी अहम सुझाव देने का काम करेंगी। मालूम हो कि ऐसी भी खबर चल रही है कि 13 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वह सुगौली में इंडियन ऑयल की परियोजना का शुभारंभ करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह भी 3 जनसभा को जनवरी और फरवरी के महीनों में संबोधित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव का ये वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में अब उनका एक और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लालू यादव मजाकिया अंदाज में अपने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बता दें कि यह वीडियो काफी पुराना है। इस वीडियो में लालू यादव संसद को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं कि 1500 रुपए दे रहे हैं, यह तो ऐसे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। चारों तरफ हमारी राजनीति देखिए और चारों तरफ अगर
परिवार है, बच्चे हैं तो खर्चा ज्यादा है। हर चीज में नेता लोग चोर है और भ्रष्ट है कहा जाता है। उन्होंने कहा कि देश में एकजुटता आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप 7,000 करिए, ये तो आप उतना ही बढ़ा रहे हैं जितना हमने किया था। इसमें टैक्स भी लेना है। कानून बनाने वाले सांसद की भी सुविधा बढ़नी चाहिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस सत्र में नहीं बढ़ाइएगा तो अगले सत्र में हम लोग झटका देंगे और उससे नहीं मानिएगा तो पटका देकर बिल पास करा लेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 11 जनवरी से अफगानिस्तान और टीम इंडिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। SMS को लेकर BCCI के द्वारा टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। वहीं इसके अलावा इस टीम में विराट कोहली भी शामिल है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह दी गई है। तेज गेंदबाजी की अगुवाई अर्शदीप सिंह करते नजर आएंगे। वहीं उनके साथ आवेश खान और मुकेश कुमार भी होंगे। ऑलराउंडर के तौर पर टीम में अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को जगह दी गई है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रवि बिश्नोई को दी गई है। इसके अलावा इस टीम में शिवम दुबे भी शामिल है। वहीं बल्लेबाजी क्रम में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा को भी शामिल किया गया है। संजू सैमसन भी अफगानिस्तान के खिलाफ बल्ले से रंग जमाते हुए दिखाई देने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल को भी टीम में मौका मिला है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपए और डीजल 95.26 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए और डीजल कीमत 95.32 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.50 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, पटना में आज पेट्रोल की कीमत क्या है? ऑप्शन ए 107.24 रुपए, ऑप्शन बी 107.98 रुपए, ऑप्शन सी 108.57 रुपए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 107.24 रुपए। अगला सवाल, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में कितने दिवसीय रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। अगला सवाल, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शुभमन गिल, ऑप्शन डी रवि बिश्नोई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अगला सवाल, बिहार से हज यात्रा के लिए कितना कोटा है? ऑप्शन ए 8,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 12,000, ऑप्शन डी 14,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12,000। अगला सवाल, पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस के द्वारा किसे संयोजक बनाया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार सिंह, ऑप्शन बी नागेंद्र प्रसाद विकल, ऑप्शन सी राजकिशोर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागेंद्र प्रसाद विकल। सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रवि कुमार राम, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सिकंदर सम्राट, गोरा शर्मा, राजकिशोर महतो, मोहम्मद शकीर हुसैन, अनवर करीम खान, गौरव कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, पवन सिंह, रविशंकर, विवेक कुमार, नौशद राजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने कोरोना के सभी टीके ले लिए हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।